हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर्यन मीना, एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा की संस्कृत विषय की प्रथम पुस्तक के 8वें अध्याय प्रार्थे आत्म उत्सर्ग विषय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में एक बहुत ही रोचक कथा के माध्यम से परोपकार को समझाया गया है, आत्म उत्सर्ग को बताया गया है। तो इस विषय पर अधिक चर्चा के लिए NIOS स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर HR मिश्रा जी। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इस चर्चा को बढ़ाने के लिए हम ये देखते हैं कि परार्थे आत्मोत्सर्ग इस पाठ में एक कहानी प्रस्तुत की गई है। कथा के माध्यम से बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है, व्यक्ति को ये शिक्षा दी जाती है कि हमारा जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए। वास्तव में इस कथा की कथा का प्रारंभ इस प्रकार से है कि राजा भोज जब सिंहासन पर बैठने जा रहे थे तो एक पुतलिका के माध्यम से जो सिंहासन में जड़ी हुई थी वह विक्रम के पूर्व जो चरित्र हैं, विक्रम के जो कार्य हैं, विक्रम का जो पराक्रम है विक्रमादित्य का, उसकी चर्चा कर कथा के रूप में उन चरित्रों को प्रस्तुत करने का वो कार्य करती। तो कथा यह है कि विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने योगी का वेश धारण करके मंत्रियों के ऊपर सारा राज्य कार्य छोड़ करके देश की व्यवस्था जानने के लिए, वास्तव में उनके राज्य में न कोई चोर था, न पिशुन था, न कोई तस्कर था, इस प्रकार से वहाँ पर यह प्रस्तुत किया गया है कि विक्रमादित्य का राज्य बहुत व्यवस्थित राज्य था और स्वतः वह राज्य में क्या हो रहा है इस बात को जानने के लिए वो वन में जाते हैं और वहाँ उनको रात हो जाती है। जंगल में जब रात हो जाती है तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करते हैं। वहाँ पर एक पक्षियों का आपस में संवाद होता है जिसमें एक पक्षी बहुत दुखी होकर के अपने पिता से बताता है कि पूर्व जन्म का मेरा एक मित्र है, वह आज बहुत विपत्ति में है क्योंकि उसके एकमात्र बेटा है, उसकी एकमात्र पत्नी है और वह स्वयं है। इस प्रकार से परिवार में केवल 3 लोग हैं और उस पर्वत में वकासुर नाम का एक राक्षस रहता है जो पलाशपुर जो नगर है, पलाश नगर, उसमें से पहुंचता है और वह राक्षस वहां के लोगों को रोज पकड़ कर लाता है और जिस किसी को भी मार देता है, चाहे वह बालक हो चाहे वह स्त्री हो। तो बाद में उन्होंने एक संविदा की कि एक एक व्यक्ति एक एक घर से रोज जाएगा। इस प्रकार से ब्राह्मण का जब दिन आया तो वह बहुत दुखी था कि अगर मैं अपने बेटे को भेजता हूँ तो निसंतान हो जाऊंगा, संतति का अक्षेद हो जाएगा, अगर मैं पत्नी को भेजता हूं तो गृहस्थ आश्रम नष्ट हो जाएगा, अगर मैं जाता हूं तो मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। इस प्रकार से हम तीनों के जाने से कुछ न कुछ विपत्ति है और वह मित्र है इसलिए उसकी चिंता में वह पक्षी परेशान था। तो इस बात को राजा विक्रमादित्य जब सुनते हैं तो वो स्वतः उस बद्ध स्थान पर पहुंच जाते हैं और वकासुर उनको देख करके एकदम आश्चर्यचकित रहता है क्योंकि वह बद्ध स्थान में बैठे हुए भी जरा सी भी विचिकित्सा से युक्त नहीं है, उनमें कोई ग्लानि नहीं है, वो पूरी तरह से कांति से युक्त राजा थे। तो जब वकासुर इस बात को देखता है कि राजा उसके स्थान पर आ गए, दूसरे के स्थान पर आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं क्योंकि मरने के लिए वो तैयार थे उस ब्राह्मण के स्थान पर,
तो उस बात को देख करके वह बकासुर के हृदय का परिवर्तन हो जाता है और वह कह बैठता है कि नहीं, आज से मैं अब किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं आपको भी अभय देता हूं। इस प्रकार से राजा ने उसका हृदय परिवर्तन किया। किंतु इसमें जो प्रस्तुत किया गया इस कहानी के माध्यम से वह यह है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए या समाज के सभी व्यक्तियों को बचाने के लिए राजा विक्रमादित्य आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना शरीर त्याग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर, विद्यार्थी इस कहानी से किस तरह से शिक्षा अपने जीवन में उतार सकते हैं? इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को विपत्ति में ग्रस्त देखें, किसी व्यक्ति को आप पीड़ा से युक्त देखें, तो उसके प्रति आपके मन में एक सहृदयता की भावना होनी चाहिए, आप उसका उपकार करने के लिए प्रस्तुत हो पड़े। इसी प्रकार से दधीच की कथा आती है। दधीच ने अपने शरीर को असुरों के वध के लिए उसकी हड्डियों को दिया, अपनी हड्डियों को देने के लिए प्रस्तुत हो गए कि इसके माध्यम से देवता दानवों का वध करेंगे। तो यह जो परोपकार की भावना है, यह हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है। आप देखिए, जब तक आप में दया नहीं होगी, जब तक आप में करुणा नहीं होगी, तब तक आप समाज का उपकार नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित है, व्यथित है, किसी कारण से परेशान है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि आपको उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो सर, विद्यार्थी इस पाठ के जो मूल पाठ है उसके अर्थ को किस तरह समझे? इसमें कई बिंदु आ जाते हैं। भाषा का की संरचना वाक्यों से होती है, वाक्य में पद होते हैं, तो उन पदों को समझने के लिए, उन वाक्यों को समझने के लिए हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। वाक्य संरचना में सुबंध पद होते हैं, तिगंत पद होते हैं, दो पदों का समास होता है और संधि होती है। तो इन सब बातों को मैं वाक्य संरचना की दृष्टि से, पद संरचना की दृष्टि से आपसे बोर्ड के माध्यम से मैं बात करता हूँ, विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करूँगा, जिसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य का परिवर्तन होता है, समास का विग्रह होता है और संधियों का प्रयोग होता है। तो इन मुख्य जो बातें हैं जिनके माध्यम से आप पद को अलग करके फिर उसके अर्थ को समझ सकते हैं, इस विधा से हम पाठ को समझाने का प्रयास करते हैं। और केवल इस पाठ के लिए ही नहीं, वह किसी भी पाठ के लिए, भाषा मात्र को जानने के लिए या किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। इस रूप में हम बोर्ड के माध्यम से इसको स्पष्ट करने चल रहे हैं। कर्तृवाच्य, इसका अभिप्राय यह है कि हम जब पद वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक क्रियापद होता है और कर्ता पद होता है। कर्ता का मतलब होता है जो क्रिया को करने वाला है, और क्रियापद का मतलब होता है जो क्रिया की जा रही। क्रिया माने एक्शन आप कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं। तो जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हम क्रिया कर रहे होते हैं, उसको हम क्रियापद कहते हैं। तो वाक्य में कर्तापद, क्रियापद और कर्म इत्यादि जो कारक हैं वो सारे होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। बालक पाठम पठति, यह एक वाक्य है। क्यों वाक्य है? क्योंकि इससे पूरा पूरा अभिप्राय किसी को पता हो जाता है। हम इस वाक्य के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कोई बालक है, वह पाठ को पढ़ रहा है, बालक पाठ पढ़ता है, इसका यह अर्थ हुआ। इसमें आपको ये देखना है कि कौन कर्ता पद है, कौन कर्म पद है और कौन क्रिया पद है। तो जो पढ़ने की क्रिया कर रहा है वह तो कर्ता कहलाएगा, जिसको पढ़ा जा रहा है वह कर्म कहलाएगा, और चूंकि पढ़ने की क्रिया हो रही है इसलिए पढ़ने की क्रिया यहाँ कहलाएगी। तो इस वाक्य को हम कर्तृवाच्य का वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य के वाक्य में, ये जो कर्तृवाच्य है, इसमें बालक जो पद है वह करने वाला है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, तथा करण है तो तृतीया,
संप्रदान है तो चतुर्थी, अपादान है तो पंचमी, इस प्रकार से विभिन्न विभक्तियों का बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु प्रत्येक वाक्य में एक कर्ता जरूर होगा और एक क्रिया जरूर होगी, नहीं तो कोई वाक्य बन नहीं सकता है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि बालकः यह कर्ता है, पठति यह क्रिया है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ। अब संस्कृत में या किसी भी भाषा में हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य का वाक्य जो होता है उसको अगर हम दूसरे ढंग से कहना चाहें तो हम इसको कर्मवाच्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कर्मवाच्य को हम इस रूप में कहते हैं कर्मवाच्य। तो मैंने कर्मवाच्य लिखा। कर्मवाच्य का अभिप्राय है जहाँ पर कर्म के साथ क्रिया का संबंध होता है उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो हमारा कर्तृपद है उसके साथ क्रिया का संबंध नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वाक्य को आप देखिए, बालकेन पाठः पठ्यते। यह जो बालकः पाठं पठति वाक्य है यही बालकेन पाठः पठ्यते के रूप में किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो गया? यहाँ पर कर्म क्या था? पाठः पाठं था। उस पाठं में कर्मवाच्य करते समय क्रिया के साथ उसका संबंध हो जाने के कारण प्रथमा विभक्ति हो जाती है और उसका एक वचन में प्रयोग होगा क्योंकि पाठ एक है। तो और जो कर्ता था वह कर्ता अनुक्त है, वह क्रिया के द्वारा उक्त नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर बालकेन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान यहाँ रखनी होगी कि जब कर्तृवाच्य का वाक्य होगा तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और क्रिया जो है वह परस्मै पद की अगर है तो परस्मै पद की क्रिया होगी, किंतु कर्मवाच्य में कर्ता जो है वह तृतीय विभक्ति में चला जाता है। निश्चित रूप से इसका कोई अपवाद आपको नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होगा वहाँ कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, जो कर्म है वह प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। इसी को हम कर्मवाच्य कहते हैं कि कर्म का प्रथमा विभक्ति में चला जाना, और क्रियापद में यह प्रत्यय लगा करके आत्मनेपद की हम क्रिया बना सकते हैं जिसको हम पठ्यते के रूप में देखते हैं। जैसे लिख धातु है तो बालकेन लेखः लिख्यते, इसी प्रकार से अगर हस धातु है तो बालकेन हस्यते। हस धातु के साथ एक चीज़ यहाँ समझाना आवश्यक है कि उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य। क्यों भाववाच्य कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे वाक्यों में जो भाववाच्य में होते हैं उनमें कर्म होता ही नहीं, तो हम कहते हैं क्रिया ही वहां पर कही जा रही है। जैसे बालकेन हस्यते, अगर इसका हम कर्तृवाच्य देखें तो हम कहेंगे बालकः हसति, किंतु जब भाववाच्य बना देंगे, चूंकि भाववाच्य निश्चित रूप से वहाँ होता है जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हँसता है, हँसता है का कोई कर्म आप नहीं खोज सकते हैं। इसी प्रकार से सोता है, सह शेते तेन शय्यते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म हो नहीं सकता है तो उनको हम भाववाच्य कहते हैं। इस प्रकार से वाक्य हमारे यहाँ तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य और भाववाच्य वाक्य। उसी एक क्रिया को पठति, इस क्रिया को लट लकार में ही हम कर्तृवाच्य के माध्यम से कह सकते हैं जिसको कहते हैं बालकः पाठं पठति, उसी को हम कर्मवाच्य के रूप में कह सकते हैं बालकेन पाठः पठ्यते। और ऐसी धातुओं के साथ जिन धातुओं में कोई कर्म नहीं है उनका हम कर्तृवाच्य में भी प्रयोग कर सकते हैं और भाववाच्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालकः हसति अगर हम कहते हैं तो वह कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, और अगर हम बालकेन हस्यते कहते हैं तो वह भाववाच्य का वाक्य होगा। यहाँ एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा इस पाठ के माध्यम से कि कर्तृवाच्य के वाक्य में हमेशा क्रिया का संबंध
कर्ता से होता है। जैसे ये बालका है, इसकी जगह हम बालकौ कर दें तो आप पिछले वाक्य के आधार पर आपको याद होगा आपने पठति सुना था, अब यहाँ पर पठति नहीं होगा, क्या होगा? पठतः। देखिए ये वाक्य परिवर्तित हो गया, बालकौ का हमने जैसे प्रयोग किया दो बालक अर्थ हो गया, तो जो हमारी क्रिया थी वह क्रिया बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि कर्ता से क्रिया का संबंध कर्तृवाच्य में होता है। कर्ता यदि द्विवचन का है तो निश्चित रूप से क्रिया भी द्विवचन की होगी। इसी प्रकार से कर्ता को बहुवचन में लेते हैं, कर्ता को आप देखिए बहुवचन का है, आप पहचानते हैं बालकः बालकौ बालकाः, इस रूप में बालकः ये बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, उसको हम कहेंगे पठति पठता पठन्ति। तो पठन्ति जो क्रिया है वह बहुवचन की कहलाएगी। अब इसका अगर हम कर्मवाच्य करना चाहें, बहुवचन का हम उदाहरण ले लेते हैं, बालकाः पाठं पठन्ति, यह कर्तृवाच्य का रूप है, तो इसका देखते हैं हम कर्मवाच्य में क्या प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में आप देखिए कैसे कैसे, यहाँ तो क्रिया का संबंध कर्ता से है इसलिए बहुवचन की क्रिया बहुवचन का कर्ता दोनों का संबंध है, किंतु जब हम कर्मवाच्य में आते हैं तो कर्ता हमारा बहुवचन का है, बालकई ही। बालकई आपको ध्यान होगा तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बालकई ही होगा, जैसे हम कहें कि बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो तृतीय बहुवचन में बालकई आपको सुनाई पड़ेगा दिखाई पड़ेगा। अब एक प्रश्न यहाँ है कि क्रिया बहुवचन की क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते इस प्रकार से ये क्रिया चलती है, तो यहाँ बहुवचन की क्रिया न हो करके हमने एक वचन की क्रिया रखी है, ऐसा क्यों? इसलिए कि इस कर्मवाच्य की क्रिया का संबंध पाठा इस कर्म से है, यह एक वचन का पाठा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया एक वचन की होगी। अगर हम इसी पाठा को पाठा कर दें बहुवचन कर दें, बाल कई ही पाठा कई पाठ पढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ क्रिया बहुवचन की हो जाएगी। तो आपको यहाँ यह समझने की आवश्यकता है, जब कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो बहुवचन का कर्म अगर है तो क्रिया बहुवचन की होगी, उसका इस कर्ता से कोई संबंध नहीं है। अगर एक भी बालक है पाठ बहुवचन के हैं तो निश्चित रूप से क्रिया बहुवचन की हो जाएगी, कर्ता से क्रिया का संबंध कर्मवाच्य में नहीं रहता है। यही चीज आपको भाववाच्य में समझनी है, भाववाच्य में भी क्रिया का कर्ता से संबंध नहीं होता है, जिसके कारण हम यह नहीं कह सकते कि एक वचन का कर्ता है तो क्रिया एक वचन की हो। भाववाच्य में हमेशा क्रिया केवल एक वचन की होती है, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम उदाहरण ले लें बालकई ही, तो यहाँ हस्यन्ते नहीं हो सकता, बालकई ही हस्यते यही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया का जो संबंध है वो क्रिया से ही है, बालक का संबंध कर्तृत्वेन जरूर है, किंतु चूंकि भाववाच्य की क्रिया है इसलिए कभी भी बालकई के साथ बहुवचन का हम प्रयोग हस्यते में नहीं कर सकते हैं एक वचन का। भाववाच्य जब भी आप करेंगे तब निश्चित रूप से एक वचन का ही हमें प्रयोग करना होगा, यह संस्कृत के वाक्यों की संरचना की पद्धति है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको पठ धातु का कर्मवाच्य में क्या रूप बनेगा। अगर हम कहें लट लकार में पठ धातु के कर्मवाच्य में क्या रूप होंगे, तो हम आपको बता सकते हैं पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यसे पठ्येते पठ्यद्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। इस प्रकार से प्रथम पुरुष में पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, मध्यम पुरुष में पठ्यसे पठ्येते पठ्यद्वे, उत्तम पुरुष में पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, ये रूपों की रचना है। आप कभी भी वाक्य का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अनंतर, यह तो हुई वाक्य संरचना, आइए हम समास के बारे में भी आपसे बात करते हैं। समास क्या है? क्योंकि किसी भी, जब भी संस्कृत का पाठ आप पढ़ेंगे, जब भी संस्कृत की कोई रचना आप पढ़ेंगे, तो आपको समास का ज्ञान होना, संधि का ज्ञान होना, पद का ज्ञान होना, वाक्य का ज्ञान होना आवश्यक है। समासः, समासः का अर्थ क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे समास क्या है, समास का अर्थ क्या है,
तो आप कहेंगे समसनम समासः, समसनम समासः। वास्तव में संस्कृत में विभक्तियों के साथ ही पदों का प्रयोग होता है। जब जब आप वाक्य का प्रयोग करेंगे वहाँ जो भी पद होगा किसी न किसी विभक्ति से जरूर जुड़ा होगा। विभक्ति हम प्रत्ययों को कहते हैं, तो जैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग, तृतीया विभक्ति का प्रयोग, इस प्रकार से प्रत्येक पद के साथ किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई भी आप वाक्य ले लें, जैसे हम कहते हैं कि राजा का पुरुष, मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम, राजा का पुरुष, राजा का व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जब हम संस्कृत में बात करेंगे तो हम कहेंगे राज्ञः पुरुषः। अगर इसको आप देखें तो यहाँ दो पद हैं। पद का मतलब यह हुआ ऐसा ऐसा शब्द जिसके साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसा शब्द जिसके साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्येक पद में विभक्तियों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। यदि इन दो शब्दों को, इन दो या कहीं कहीं दो से अधिक शब्दों को अगर हम मिला दें और बीच की विभक्तियों को हटा दें तो उसी को हम समास कहते हैं, किंतु वह सार्थक होता है, वह संबंध उनमें, अन्वय उनमें होना चाहिए, तभी वह हम समास की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो समास के माध्यम से भाषा में संक्षेप आ जाता है, इसके हम कई भेद पाते हैं। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया, जैसे हमारा अव्ययी भाव समास है, पहला समास हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हम आपको बताएं तो दिनम दिनम प्रतिदिनम, जैसे इसमें दिनम दिनम प्रतिदिनम अगर हम यह देखें तो दिनम दिनम यह विग्रह है, दिनम दिनम प्रति, अगर हम ऐसा विग्रह करते हैं तो उसका रूप बनेगा प्रतिदिनम। प्रति और दिन, प्रति यह अव्यय पद है, दिन पद के साथ प्रति इस अव्यय पद का समास करने से प्रतिदिनम इस प्रकार का अव्ययी भाव समास। और भी उदाहरण आप बहुत देख सकते हैं, जैसे वनस्य समीपम उपवनम, वनस्य समीपे उपवनम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, बहुत से अव्ययी भाव समास आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें जो पूर्व पद होता है उसकी प्रधानता होती है। दूसरा अभी मैं जो मैंने उदाहरण बताया था राज्ञः पुरुषः या आप दुःखस्य कारणम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास भी बहुत व्यापक है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, षष्ठी विभक्त्यंत शब्द का अन्य किसी शब्द के साथ समास होगा तो उसको हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी प्रकार से द्वितीय तत्पुरुष हो सकता है, चतुर्थी तत्पुरुष हो सकता है, पंचमी तत्पुरुष हो सकता है, बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। तत्पुरुष समास को अर्थ के आधार पर जैसा अर्थ आपको दिखाई पड़े, अगर हमें कहना है राज्ञः पुरुषः तो राजपुरुषा है, यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास होगा। तो समासों को समझ करके, विभक्तियों को समझ करके, आप संधियों को समझ करके, संधि के बारे में हमने पिछले एतद् उपास्यम पाठ में चर्चा की थी, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, इन संधियों के माध्यम से आप वाक्य को समझ सकते हैं। एक श्लोक और दो श्लोकों के माध्यम से मैं इस पाठ को अंत करूंगा। उसमें आप देखिए परोपकार के लिए इतना महत्व बताया गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। तो परोपकार, इस पाठ के माध्यम से जो शिक्षा दी गई है वो परोपकार की शिक्षा दी गई है, परोपकार पुण्य के लिए है, इस लोक में और परलोक में भी वह आपको लाभ करता है। जैसे उन्होंने कहा, भवन्ति नम्रास्तरभा फलोद्गमैर् नवाम्बुभिर्भूरि विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि स्वभाव एव ईश परोपकारिणाम। तो परोपकार का यह है, परोपकार आय सताम विभूतया, जो जो महान है, जो बड़ा व्यक्ति है, माने जिसको हम कह सकते हैं समाज का आदर्श है, वह आत्मोत्सर्ग करके भी परोपकार करता है। इस रूप में आप इस पाठ के महत्व के समझ सकते हैं, पाठ के महत्व को, और इस रूप में आप बहुत सी शिक्षाएं इन पाठों के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यही उद्देश्य होता है इन पाठों का, जिनके माध्यम से मानव अपने जीवन को उन्नत बना सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने परार्थ आत्म उत्सर्ग विषय पर चर्चा की। आशा है आज की चर्चा को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और आगे भी हम इसी तरह की चर्चाएं लेकर आते रहेंगे।
आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो, कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों